हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा था। कल मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया और परसों भी मैं कोई वीडियो बना के नहीं डाल पाया, तो इसके पीछे एक रीज़न है। कल सुबह जब मैं सो के उठा मॉर्निंग में, तो मेरा सर्वर हैक हो गया था। मैं एक होस्टिंग कंपनी भी चलाता हूँ साथ में, तो वहाँ पे जो मेरा सर्वर है, दो सर्वर है मेरे पास, वो हैक हो गए थे। और उसके अलावा फिर मैंने मेरे और दोस्तों से बात किया जो होस्टिंग कंपनी चलाते हैं अलग अलग जगहों पे, तो उन्होंने भी बताया कि उनके भी सर्वर्स हैक हुए हैं। तो फिर मैंने जब काफ़ी सर्च किया तो कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे, सर्वर पूरी तरह से हैक हो चुका था। मेरा WHM भी नहीं खुल रहा था, मेरा सी पैनल्स भी नहीं एक्सेस हो पा रहा था, तो कहीं पर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने मेरे दोस्तों से बात किया, किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैंने अपने डाटा सेंटर से बात किया, जहाँ पर हमने अपना सर्वर सेटअप करके रखा हुआ है, डाटा सेंटर से हमने बात किया। फिर उन्होंने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया था। वो बोले कि बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्चुअली हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। तो बिना बैकअप के बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और बहुत दिक्कत हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि क्या होगा, अब कैसे होगा। और कुछ क्लाइंट तो हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमसे बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इशू है, आप सॉल्व करो, जो टाइम लगता है लगेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे पूरी तरह से, और वो मतलब अजीब तरह से कुछ क्लाइंट्स की धमकी आने लगी बहुत तरह के। तो फिर कोई तरीके से हमने अपना बहुत मुश्किल से प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ है। कल का पूरा दिन पूरी तरह से टेंशन में गुजर गया। कल मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मूड इतना ज़्यादा अपसेट था, इतने ज़्यादा टेंशन में मैं था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। कल इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मैं कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, और भी कोई काम नहीं कर पाया। सर्वर पे ही लगा था और वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे लिनक्स नहीं आती, तो फिर इस वजह से वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद फिर मैंने डाटा सेंटर से बात किया, तो उन्होंने भी मना ही कर दिया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और चूँकि ये शायद अच्छा खासा टाइम था, काफ़ी बड़ा टाइम था, अटैक रहा होगा ये, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ नहीं हो पाया। मैंने मेरे बाकी दोस्तों से कहा कुछ करो यार, किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कोई क्या करे। तो सेम तरह की प्रॉब्लम में मैं भी फंसा हुआ था, और कल का पूरा दिन बिना सोए बिना कुछ किए ऐसे ही मतलब केवल काम करते करते मेरा गुजर गया। और उसके बाद कल के बाद आज रात में पूरी रात लगभग लगभग काम किया। फिर आज रात में मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, वो काफ़ी टाइम से होस्टिंग कंपनी चला रहा है, तो मैंने उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसने डाटा सेंटर से बात किया, मेरे डाटा सेंटर से, और फिर उस डाटा सेंटर वालों को मेरे दोस्त ने अपने तरीके से हैंडल किया। फिर वो राजी हुए और उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने ठीक किया। फिर जो मेन चीज़ें थी, पैनल में प्रॉब्लम आ रही थी, पैनल की स्क्रिप्ट चेंज थी, तो उन्होंने वो ठीक किया। और उसके बाद फिर हमारा सी पैनल वर्क करने लगा, फिर मैं सी पैनल में एक्सेस कर पा रहा था, और फिर मैंने जा करके एक एक चीज़ें ठीक की। और अभी भी करीब 90% तो मैंने अपना सिक्योर कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हैकर्स के अंदर हैं, उसके अंदर उन्होंने स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को हटानी है। तो आज मैं वो सारी चीज़ें हटाने वाला हूँ। शायद आज भी मैं कोई वीडियो ना बना पाऊँ, क्योंकि आज भी मैं बहुत बिज़ी रहूँगा अपने इस काम के लिए, सर्वर की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम इशू हुआ है, तो इसको मैं पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश में लगाऊँ, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा आज बिज़ी रहूँगा। हो सकता है मैं आज भी कोई वीडियो ना डाल पाऊँ, तो लेकिन चूँकि कोई ना कोई वीडियो तो आज आप तक पहुँचाना था मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ मैं आपको बोल दूँ कि हाँ क्या इशू आया है, कैसे इशू आया, तो मैंने इसी वीडियो को आज मैं आप लोग को पहुँचाने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी आज मैं आप लोग को बताता कि ये मैं हैकिंग अटैम्प्ट से मैं कैसे बचा। और अगर आप भी इस तरह की चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, इस तरह के आप वेबसाइट चलाते हैं, ब्लॉग चलाते हैं, या तो फिर आपकी कोई कंपनी है, आपको अगर इस तरह के अटैम्प्ट आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपके वेबसाइट पर हैकिंग अटैम्प्ट आया है, आपकी कहीं से शेयर्ड होस्टिंग ली है, हैकिंग अटैम्प्ट आया है, तो आप सबसे पहले अपने सी पैनल में जाइए, वहाँ पे सारे स्क्रिप्ट चेंज कीजिए, और कोशिश करिए कि वहाँ से सारा डाटा उड़ा करके, अगर आपके पास बैकअप है तो बैकअप रिस्टोर कर दीजिए, और अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो पूरा डाटा डाउनलोड कीजिए, एक एक फाइल को चेक करिए। क्योंकि एक बार हैकिंग अटैम्प्ट में जब हैकर्स आपके सी पैनल को एक्सेस करते हैं या आपके सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी फाइलें, इस तरह की चीज़ें छोड़ के जाते हैं कि बाद में भी वो अपने आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपने सर्वर को सिक्योर रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पूरे के पूरे डाटा को चेक करें, उसमें कहीं से भी किसी तरह की वायरस ना हो, उसमें कहीं भी किसी तरह का ऐसी कोई स्क्रिप्ट ना हो जो कि आपको बाद में नुकसान पहुंचाए। तो इन सब चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना होता है, तो आप कोशिश करिए कि हमेशा इन सब चीज़ों से बच के रहें। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ आपको आपको हैकिंग से प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने आपको हैक कर लिया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो हमें इन्फॉर्म करें,
हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। फिलहाल आज जो हमारे सर्वर हैक हुए हैं, कल जो सर्वर हैक हुए हैं उसमें मेरे अलावा मेरे कई सारे दोस्तों के हैक हुए हैं। वो अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में कंपनियाँ चलाते हैं, तो उनके भी हैक हुए हैं। तो अभी तक मेरा जो सर्वर था वो तो मैंने लगभग लगभग बचा लिया है, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया है कि अपना डाटा सेंटर ही वो चेंज कर रहे हैं, वहाँ से पूरा डाटा उठा के दूसरे सर्वर पर डाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्व होने का कोई चांसेस नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। तो मैं अपने इस मेरा हैकिंग जो मेरा हुआ इसके लिए मैं बच के आया, मैंने अपने सारे डाटा बचाया, सब कुछ बचा। इसके लिए मैं मोचा होस्ट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे सपोर्ट वालों को भी, खास तौर पर दीपक गौतम को, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमको और हेल्प की, डाटा सेंटर से बात किया, और फिर अभी क्या है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही, अभी आज मैं बहुत खुश हूँ। रात भर मैं सो नहीं पाया था कि कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। रात में तो करीब 12-1 बजे तक मैं जग रहा था, फिर रात में सोया, 2 बजे तक मेरी फिर नींद खुल गई और अभी तक मेरे को नींद नहीं आई। कंटिन्यू मैं अभी तक काम कर रहा था सर्वर पे, सारी चीज़ें, फाइलें चेक कर रहा था, सब कुछ चेक कर रहा था। तो मैं जस्ट अभी अभी फाइलें चेक करने के बाद अभी अभी जस्ट उठा हूँ, और मैंने सोचा कि लाओ कि वीडियो शूट कर लेता हूँ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी नहाया भी नहीं, आप देखो ये एकदम दाढ़ी वाड़ी मोछा वोछा सब एकदम, अभी मैंने नहाया वहाया भी नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नहीं, मुँह भी मैंने नहीं धुला। सुबह से बस ऐसे ही उठा और बस चाय पिया, काम कर रहा था, और फिर आ गया वीडियो शूट करने छत पर। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरह के हैकिंग अटैम्प्ट हो तो आपको कैसे करना है। आपको, अगर आपके पास हैकिंग अटैम्प्ट होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप से पहले से सारे चीज़ डाउनलोड करिए और उसको पूरी तरह से रिफ्रेश करिए। वहाँ किसी तरह का डाटा आपके पास, अगर हैकर ने कोई फाइलें छोड़ी हैं तो आप उनको हटाइए, सब कुछ आप वहाँ पे चेंज कीजिए। और इस तरह की चीज़ें आप अगर करते हैं तो आई होप कि आपका डाटा बचा रहे फ्यूचर में, ना हैक हो। और सीपैनल का पासवर्ड तो चेंज कर ही दीजिए, और कोशिश करिए कि सीपैनल का पासवर्ड टाइम टाइम पे आप चेंज करते रहिए उसको, ताकि इस तरह के अटैक ना हो। और अगर आप ब्लॉग चलाते हैं, आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो आपके वर्डप्रेस के अपडेट्स हैं, प्लगइन के अपडेट, थीम के अपडेट, आप उन्हें टाइम टाइम पे अपडेट कीजिए। वर्डप्रेस में खास तौर पे एक ऑप्शन होता है ऑटो अपडेट का, आप उसको हमेशा सेट करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। क्योंकि देखिए, हैकिंग के जो भी अटेम्प्ट होते हैं वो सिर्फ उन्हीं फाइलों में होते हैं जो अपडेट नहीं हो पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने इस तरह के जो भी अपडेट्स आए आप उन्हें टाइम टाइम पे अपडेट करते रहें। आप ऑटोमेटिक लगा के रखेंगे तो वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, फिर वो हैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप सर्वर प्रोवाइडर हैं, आप WHM वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप अपने अपने WHM जो सीपैनल डाल रखे हैं, जो स्क्रिप्ट डाल रखे हैं, उसको टाइम टाइम पे आप अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अपडेट करेंगे तो ही चांसेस हैं कि आप बच सकते हैं। अगर आपने काफ़ी ओल्ड फाइल यूज़ कर रखी है तो इस तरह प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और अगर आप अपने वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं कि आप नर्ल थीम कभी मत यूज़ कीजिए, नर्ल थीम बहुत ही बेकार होती है। अगर आपने नर्ल थीम यूज़ किया है तो आपकी जो साइट्स है वो हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप नर्ल थीम कभी मत यूज़ करिए, हमेशा कोशिश करिए कि आप फ्री की थीम यूज़ कर लीजिए। वर्डप्रेस में ढेर सारी फ्री वाली थीम आती हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। फ्री वाली थीम आप यूज़ करेंगे तो आपके हैकिंग चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप नर्ल थीम कहीं से डाउनलोड करते हैं, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, तो आपके हैकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि नल थीम मत यूज़ करिए, और हमेशा आप या तो थीम बाय करके यूज़ करिए, और या तो फिर आप जो है फ्री की थीमें आती हैं वो यूज़ कर लीजिए। वर्डप्रेस में बहुत सारी फ्री की थीमें आती हैं, हज़ारों थीमें हैं वहाँ पे, और अच्छी अच्छी थीमें हैं। आपको जो तरह का फंक्शन चाहिए, जो तरह का फीचर चाहिए, सब कुछ आपको मिल सकता है, आप वो यूज़ करिए। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो थोड़े से पैसे दीजिए और फ्री की चीज़ें यूज़ करिए। जो फ्री की चीज़ें मत यूज़ करिए, और कोशिश कीजिए थोड़े से पैसे दीजिए और अच्छी चीज़ें यूज़ करिए। आप बाय करके यूज़ करिए, लीगल तरीके से यूज़ करिए, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। और कल की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी आए। तो प्लीज़ आप कभी फ्री की चीज़ें मत यूज़ करिए, मतलब एकदम आप नल्ड वेबसाइटें यहाँ वहाँ से मिलती है, नल्ड स्क्रिप्ट मिलती है, वो सब आप कभी मत डालिए। हमेशा कोशिश करिए कि आप जो वर्डप्रेस की खुद की जो थीमें हैं फ्री की आती हैं, बहुत सारे डेवलपर्स बना के डाली हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिए, लेकिन फ्री की थीम कभी मत यूज़ करिए। तो आज के लिए मैं बस यही बताना चाह रहा था आपको, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कोई एक और बहुत अच्छी वीडियो बना के आपके सामने ला सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आप चाहें रख सकते हैं। और अभी के लिए बाय बाय, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कोई वीडियो बना के डाल सकूँ। वैसे आज मैं कोशिश करूँगा बना के डालूँ, लेकिन आज सर्वर पे काफ़ी काम है तो शायद टाइम ना मिले मेरे को। तो मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई वीडियो बना के डाल सकूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।